आज मैं आपके लिए लाई हूँ काली मसूर की दाल की रेसिपी। रेसिपी बहुत ही ईजी है और बनाने में बहुत आसान है, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के करीबन काली मसूर दाल को भिगो करके रखा था। आधे घंटे मैंने इस दाल को भिगोया है अच्छे से धो करके, और ये फूल चुकी है। तो अब हम इसमें सीटी लगा लेंगे कुकर में चढ़ाकर। तो यहाँ पर मैंने दाल को अच्छे से धो करके भिगोया था, इसलिए डायरेक्ट पानी के साथ डाला है और हल्का सा पानी इसके ऊपर और डाला है। यहाँ मैं 1 चम्मच के करीबन इसमें तेल डाल रही हूँ। तेल के साथ साथ हल्की सी यहाँ पर मैंने हल्दी डाली है 1 पिंच के करीबन। पानी की क्वांटिटी इतनी है कि जितनी जो दाल है वो अच्छे से डूब जाए। तो यहाँ हम कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं और इसे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 सीटी लगाएंगे और उसके बाद लो फ्लेम पर 5 से 10 मिनट पकाएंगे। तो चलिए दाल पकाने रख देते हैं। तो यहाँ पर मैं इस दाल को रख रही हूँ। तो सबसे पहले अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 सीटी लगा देंगे। तो यहाँ पर ये 4थी सीटी लग चुकी है, गैस फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और अब हम इसे 5 से 10 मिनट इस तरीके से पकाएंगे। तो दाल पक चुकी है, अब हम तड़का की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल लिया है, तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है और 1 चम्मच यहाँ पर मैंने जीरा लिया है। तो जीरा अच्छे से तड़क चुका है, तो यहाँ पर मैंने 7 से 8 कड़ी पत्ते लिए हैं, इसको मैं तोड़ करके इसमें डाल दिया है। लहसुन की कलियाँ ली है 10 से 12, क्योंकि लहसुन का जो टेस्ट है ना काली मसूर में बहुत अच्छा लगता है। कभी भी आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ ना करें, जो डायरेक्ट आप इसमें लहसुन काट के डालोगे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज जो है इस तरीके से काट कर इसमें डाले हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो यहाँ पर मैं इस प्याज को 2 से 4 मिनट भून लूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम मैंने यहाँ पर करी हुई है। तो ये तड़का अच्छे से पक चुका है, तो अब हम यहाँ पर डालेंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज के टमाटर के साथ मैंने 2 हरी मिर्च को काट कर इस तरीके से डाला है। आप चाहे तो दोनों को अलग अलग डाल सकते हो, बट मैंने साथ में डाला है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने देंगे। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे 5 मिनट ढक रही हूँ। तो 5 मिनट हो चुके हैं, तो देखिए टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाए उसके बाद ही आपको इसमें मसाले डालने चाहिए। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डालिए, हल्की सी मैंने हल्दी डाली है और हल्की सी यहाँ लाल मिर्च डाली है, 1 चम्मच के करीबन यहाँ मैंने धनिया पाउडर डाला है। अच्छी तरीके से हम इन मसालों को ना मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि जो मसाले हैं वो चिपक रहे हैं तो आप इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, 1 या 2 चम्मच के करीबन, ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो मसाला जो है अच्छे से नहीं पकेगा। तो इसको मैं ढक करके 5 से 10 मिनट पकने दूंगी। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, तो देखिए ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है और तेल छोड़ने लग गया है। साइडों से देखिए बिल्कुल तेल निकलने लग गया है। तो यहाँ पर अब हम ये उबली हुई दाल इसमें डाल देंगे। चाहे तो आप दाल में उसी टाइम उस दाल को पानी से पतला कर दीजिए, नहीं तो बाद में आप दाल के ऊपर पानी इस तरीके से डाल सकते हैं। तो मैंने इसी बाउल में ही पानी डाल दिया था क्योंकि उसमें थोड़ी सी दाल जो थी लगी हुई थी। तो ये देखिए इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये दाल हमारी जो है बिल्कुल बढ़िया से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें एक उबाल लगाएंगे हाई फ्लेम पर। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून के करीबन गरम मसाला डाला है। अब इसको हम अच्छी तरीके से दाल में मिक्स कर देंगे। तो दाल को हम तब तक उबालेंगे जब तक कि जो आपको ऊपर झाग दिख रहा है ना वो बिल्कुल हट ना जाए। तो अब मैंने यहाँ फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है क्योंकि इसमें एक उबाल आ चुका है। तो लो फ्लेम पर ही अब हमें दाल को पकाना है। तो यहाँ पर अब मैं इसे 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पर ढक करके पका लूंगी। तो 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम दाल को देख लेते हैं। तो यहाँ मैं 1 चम्मच के करीबन इसमें घी डाल रही हूँ। आप चाहे तो घी गलाकर भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे ही डालोगे तो भी वो अच्छे से गल जाएगा। तो अब हम इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना आप मत डालिए, बट घी डाल के जो है ना इस स्टेज पर अगर आप घी डालते हो तो उसका जो दाल का टेस्ट है वो बिल्कुल अलग सा लगता है। तो ये देखिए दाल बिल्कुल बढ़िया सी बन चुकी है। यहाँ मैं इसको धनिया पत्ती से गार्निश कर रही हूँ, इससे इसका टेस्ट और बढ़िया आएगा। तो कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हो दाल की, कि आपको चपाती के साथ खानी है कि राइस के साथ। बाकी इस मेथड से आप दाल बनाओगे तो आपको बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो देखिए मैंने इसको यहाँ बाउल में निकाल दिया है, गर्मा गर्म आप खाइए और घर वालों को खिलाइए, आपको बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने से हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। थैंक यू।